हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पबजी टेस्ट, और मैं दोस्तों आप आज करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 6a का फुल रिव्यू। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं दोस्तों, तकरीबन 2 साल पुराना मॉडल है ये, तो 2 साल के बाद आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसा है, गेमिंग के हवाले से दोस्तों कैसा है, कैमरा के हवाले से, पोर्ट्रेट मोड, दोस्तों ओवरऑल हर चीज़ की हम बात करेंगे। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ, सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ गूगल 6a 5G को। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अभी मैं करता हूँ गेम को ऑन और मज़ीद बात करेंगे। तो दोस्तों गेम हमारा शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले सेटिंग्स, एंड सेटिंग्स में क्या मिलेगा हमें दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमारे पास स्मूथ एक्सट्रीम तक का ऑप्शन है, यानी कि 60 FPS का हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ पे 90 FPS, और अभी तक तो जो दोस्तों 120 FPS का भी सपोर्ट हो गई है कुछ फ़ोन्स में, जो कि इस गूगल पिक्सल 6a में नहीं है। वो इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है नॉर्मल, इसका डिस्प्ले भी दोस्तों 90 हर्ट्स या 120 हर्ट्स का डिस्प्ले नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस तो ठीक है क्योंकि एंड्रॉयड 14 पे ये काफ़ी स्मूथ वर्क करता है, लेकिन दोस्तों गेमिंग में जो है आपको 60 FPS पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास जो वेरियंट है ये है 6 GB RAM एंड 128 GB स्टोरेज वाला प्रोसेसर है दोस्तों। इसमें गूगल टेंसर जो कि एक सैमसंग की दी हुई चिप है, ये कैसा परफॉर्म करती है दोस्तों गेमिंग में या ओवरऑल हम मज़ीद बात करेंगे। अभी मैं शुरू कर लेता हूँ ये गेम। तो दोस्तों गेम तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है अभी तक, तो अभी ये रश गेम पे या पैराशूट से जैसे लैंडिंग करते हैं दोस्तों, उस दौरान में कितना ज़्यादा ये लैग करता है, कितना स्मूथ चलता है वो आपके सामने होगा। फ़ोन का मैं कर लेता हूँ जायरो ऑन, क्योंकि दोस्तों जायरो के बगैर तो भाई मैं खेल ही नहीं सकता ऑलवेज पे। अभी तक तो दोस्तों गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, मेरे ख्याल से 60 FPS तो हमें आसानी से आराम से मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम है। दोस्तों अभी इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है पाकिस्तान में, तो ये ऑलमोस्ट अगर आपको फ्रेश पीस चाहिए तो तकरीबन 50,000 रुपये का है, जो कि नॉन PTA है। नॉन PTA की लानत तो यहाँ पे भाई हमारे पाकिस्तान में हर किसी के लिए अवेलेबल है। PTA टैक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, तकरीबन 70,000 रुपये इसका PTA टैक्स है। फ़ोन टोटली आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये का, और 70,000 रुपये इसका PTA टैक्स है। और मज़े की बात दोस्तों आपको बताता जाऊँ, ये फ़ोन आपको CPID या पैच अप्रूव में भी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें बैटरी है 4400 mAh की बैटरी। दोस्तों मॉडल है ये 2022 का, 2022 के हिसाब से दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें 90 Hz का या 120 Hz का एटलीस्ट डिस्प्ले होना चाहिए था। अगर इसमें 90 Hz का डिस्प्ले भी होता तो मेरे ख्याल से शायद हमको कम से कम 90 FPS का गेम प्ले मिल रहा होता, क्योंकि 120 FPS चलाने का मेरे ख्याल से इस फ़ोन में क्षमता नहीं होगी। डिस्प्ले ओवरऑल कलर बहुत अच्छे हैं,
कैमरे की तो क्या ही बात है, कैमरा के हवाले से तो भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं आई थिंक किसी को। पिक्सल का कैमरा तो बहुत ही कमाल होता है। फ़ोन लुकिंग में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है फ़ोन। इस फ़ोन ने अपने जो है मार्केट में एक जगह बना ली है। ये उस तरह से जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इसका कैमरा और फ़ोन का डिज़ाइन सबसे अलग ही होता है। मेरे ख्याल से पिंक का इशू आ रहा है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की PD 3.0 सपोर्ट है इसमें। मेरे ख्याल से वहाँ से वहाँ बंदा आया है लड़ने की बंदे ने। मैंने अपने ही बंदे पे दोस्तों स्मोक करके काफ़ी ज़्यादा शायद परेशान कर दिया उसको। दोस्तों डिस्प्ले की बात करूँ, दोस्तों डिस्प्ले इसका मार्केट में अगर आपको डॉट वाला भी मिल जाता है और फ्लैश डिस्प्ले भी मिल जाता है, इन दोनों के प्राइसेस अलग अलग हैं। दोस्तों इसका फ्लैश डिस्प्ले ऑलमोस्ट 20,000 से ऊपर है और अगर इसका आप लेते हैं डॉट वाला और शेड वाला तो वो आपको दोस्तों मिल जाएगा तकरीबन 10,000-12,000 रुपये का, पाकिस्तानी प्राइस बता रहा हूँ। आई डोंट नो इंडिया में कितनी है, अगर आप इंडिया से हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इसके पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बैक कवर और पाउच वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होती है फाइंड आउट करने में, लेकिन ये कि मिल जाता है कम से कम। दोस्तों ओवरऑल गेम बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, 60 FPS के हिसाब से तो बेहतरीन है। अगर आप इस पे गेमिंग करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा गेमिंग फ़ोन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि एवरेज है, आप इस पे सुकून से गेमिंग कर सकते हैं। अरे भाई बंदे को मार दिया, नहीं पहुंच पाया मैं टाइम पे। पिंग का बहुत बड़ा मसला आ रहा है मेरे पास। उसने मारा था उसको तो लड़का दिया। अभी देखिए हल्का सा गेम लैग कर रहा है, देखिए मेरे ख्याल से फ़ोन जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ है ना हाई तो गेम ने हल्का फुल्का लैग किया है।
चलो जी, खुद लुड़का दिया बंदे को। मुकाबला हो गया रे, मुकाबला हो गया। अरे भैया यार, पास ही खड़ा हुआ था। तो दोस्तों गेम प्ले इतना बुरा नहीं है, गेम प्ले तो खैर मेरा बहुत बुरा है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं है दोस्तों। सही है कि एवरेज फ़ोन है। अगर आप फ़ोन बाय करना चाहते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, गूगल 6 है, बहुत ही मज़े का है। ड्यूल स्पीकर है दोस्तों, इसमें ऊपर नीचे डबल स्पीकर दिया गया है। साउंड क्वालिटी भी एवरेज है। टाइप सी है इसमें जैक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको? अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।